तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आठ ऐसी गलती जो बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन में करते हैं, या फिर बोल सकते हैं आठ ऐसी आपको मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में करते हैं, जो उन्हें करना नहीं चाहिए। ये कौन सी गलती है और इससे क्या हो सकता है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है फाइंड माई मोबाइल। दोस्तों, जब भी आप अपना मोबाइल नया लें या फिर आपके जो भी कोई भी पुराना मोबाइल है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, अपने मोबाइल में फाइंड माय मोबाइल को ऑन करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, कल को आपका मोबाइल कहीं घूम जाए या कहीं कुछ हो जाए तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, या घर में ही कहीं इधर से उधर हो जाए तो आप उसको रिंग करके देख सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ है। ये बहुत जरूरी चीज़ है, हर आदमी को अपने मोबाइल में सबसे पहले तो उसको ऑन करना चाहिए। यह नहीं कि यार देख लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ऑन करके जरूर रखना चाहिए। चाहे आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो तो वहां भी आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास आईफोन है तो भी ये आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ढूंढने में तो आप यहां पर सीधा लिख के सर्च भी मारेंगे फाइंड मोबाइल, आपको देख सकते आप दिख रहे होंगे फाइंड माई मोबाइल, आपको सर्च मारेंगे तो आपको मिल भी जाएगा नीचे की तरफ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इसको ऑन करके रखें ताकि आपको लास्ट डेटा भी आपको मिलता रहे और बाद में आप इसको इजीली एक्सेस कर सके। चाहे तो आप सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सैमसंग की तरफ से भी मिलता है, और चाहे तो आप अपनी गूगल की तरफ से भी इसको यूज कर सकते हैं। गूगल की तरफ से यूज करने के लिए आपको यहां जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहां पर जाना होगा अकाउंट्स में, सॉरी यहां पर जाना होगा आपको गूगल सर्विसेज में। गूगल सर्विसेज में जाएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन, आपको उस पर जाना है। इस पर जाके आपको इसको ऑन करके रखना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर इसको ऑन करके रखा हुआ है, तो आपको इसको ऑन करके रखना है। तो सबसे पहला जो फीचर, वो सबसे पहला जो काम है आपको अपने मोबाइल में नहीं करना, कि फाइंड माई मोबाइल को एक्टिवेट नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फाइंड माई मोबाइल को एक्टिवेट करके रखना है। दूसरा ये बता रहे वाला हूँ, मोबाइल को रिस्टार्ट करना। मतलब कि लोग करते क्या है, महीनों तक और सालों तक जब से लिया है तब तक आज तक मोबाइल को रिस्टार्ट ही नहीं करा, जब से चले ही जा रहा है। तो अपने मोबाइल को आपको रिस्टार्ट जरूर करना चाहिए। उससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे तो एक दोबारा से जब चालू होगा तो सारी जो पुरानी एक्टिविटी, जो कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको यूज़ की भी नहीं है और आपने उसको यूज़ करके क्लोज भी कर दिया है, तो भी वो बैकग्राउंड में रन होती है या बैकग्राउंड में कुछ उसकी एक्टिविटी रन होती है, जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो लगभग आपको अपने मोबाइल को अल्टरनेट डे में या हो सके 3 से 4 दिन में तो आपको 100% अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना चाहिए। कितनी देर लगती है एक मोबाइल को रिस्टार्ट करने में, मैक्सिमम मिनट 5 मिनट्स में आपका मोबाइल पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल को आप चला के देखना, पहले से परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये नहीं पता था या अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा, ये जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इससे आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। मैं तो डेली ही करता हूँ। अगर आप डेली नहीं कर सकते, मैं तो अपने मोबाइल को डेली ही रिस्टार्ट करता हूं, जिससे कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता रहे टाइम टू टाइम। उसके बाद जो मैं थर्ड बताने वाला हूं वो भी बहुत काम की चीज है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में आज की डेट में स्मार्टफोन सबके पास है, लगभग घर में जितने मेंबर्स हैं सबके पास ही है, पापा मम्मी भाई बहन जितने भी रिश्तेदार दादा दादी सबके पास आज के डेट में स्मार्टफोन तो होते ही हैं। लोग उसमें फोटोज भी खींचते हैं, वीडियोज भी बनाते हैं और मेमोरी भी बनाते हैं, बट एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें अपने मोबाइल का बैकअप नहीं लेते, डेटा का बैकअप नहीं लेते, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी डेटा का बैकअप नहीं लेते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक कभी होता है, गलती से मोबाइल गिर गया, टूट गया, पानी में गिर गया या कहीं चोरी हो गया तो डेटा तो गया। हमेशा आपको अपने मोबाइल को ऑनलाइन हो सके तो क्लाउड स्टोरेज में अपने मोबाइल का डेटा को स्टोर करें। अगर क्लाउड स्टोरेज नहीं करना चाहते तो आप अपने मोबाइल को चाहे पेन ड्राइव में, चाहे मेमोरी कार्ड में, चाहे अपने लैपटॉप या ऐसे सिस्टम में, पर डेटा का बैकअप टाइम टू टाइम ज़रूर लें ताकि आपका मोबाइल का जो डेटा है वो लॉस ना हो। हो सकता है किसी के लिए बहुत काम की चीज़ भी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है जो कहीं लैप्स हो जाए, तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप उसका बैकअप लेके चले ताकि आपके मोबाइल का कोई भी डेटा लॉस ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो भी बहुत काम का है, जो मोबाइल की आप समझ लो जान मानी जाती है, वो है बैटरी। बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल चलेगा नहीं, मतलब कि मोबाइल चलेगा ही नहीं, तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको चार्ज करना, और चार्ज करना भी बिल्कुल सही तरीके से चार्ज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चले आपने कोई से भी ऐसी थर्ड पार्टी चार्जर से उसको चार्ज कर लिया, वो बहुत दिक्कत दे होता है।
उससे आपके मोबाइल की बैटरी से लेकर सब चीज़ में उसको हार्म रहता है। हो सकता है कुछ ऐसा चार्जर हो जो उसके वॉट को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, या कुछ हैवी वॉट दे रहा हो जो उसके चार्जर पे सपोर्ट नहीं करता, या फिर हो सकता है आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि मोबाइल का जो चार्जर है वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। और चार्ज करते टाइम हमेशा याद रखें, जो मोबाइल का जो कवर हैवी कवर जो लगा लेते हैं, लोग हैवी हैवी कवर लगा लेते हैं कि मोबाइल गिरे तो कहीं टूटे ही नहीं, तो कभी भी हैवी कवर ला के अपने मोबाइल को चार्ज तो करना ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि मोबाइल जब चार्ज होता है तो हीट होता है, हीट होने का जब आपने हैवी चार्जर हैवी वो लगा के रखा है बैक कवर, तो हीट वहीं जमा हो जाती है और कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा अपने मोबाइल को हो सके तो आपको कवर से निकालने के बाद ही चार्ज करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक चीज़ और, अपने मोबाइल को जहाँ भी आप चार्ज पर लगा रहे हैं वहाँ कोशिश करें कि एटलीस्ट वहाँ पर कोई गर्म चीज़ तो नहीं है, मतलब कि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर टेम्परेचर कम तो नहीं है, सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, लाइक वहाँ पर फ्रिज के ऊपर या फिर कोई ऐसी कोई मशीन रखी हुई है, मशीन के ऊपर आप रख रहे हैं वहाँ पहले से ही वो गर्म हो रहा है, तो ऐसी जगह मोबाइल को चार्ज नहीं करना। वहाँ पर चार्ज करना चाहिए जहाँ पर कोई भी गर्म गर्म चीज़ ना हो, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर हो, लाइक अपने बेड पे लगा दिया या कुछ भी लगा दिया। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ और बताऊँगा, आप अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम चार्ज, मतलब ऐसा करिया करिए जो मुझे लगता है कि उससे बैटरी बहुत सही चलती है, कि बैटरी का ऐसा रहता है आपने मोबाइल को चार्ज करा 20% से 50% या 60% तक लिया है, फिर 20 से 60 पे लिया है, ऐसा तो आप कर रहे हैं तो ठीक है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अपने मोबाइल को एटलीस्ट 85% तक तो चार्ज करना चाहिए, फुल चार्ज तो नहीं करना चाहिए, 80-85% तक चार्ज करना चाहिए, और जब वो नीचे आए तो 20-30% पे आपको अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी, ना आप इसको लो पे लेके आइए और ना उसको हाई पे लेके आइए, और ओवरनाइट तो चार्ज करो मत, ओवरनाइट से भी बहुत दिक्कत होती है बैटरी में, तो बैटरी को ओवरनाइट चार्ज नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ टिप बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही काम की चीज़ है, और बहुत सारे लोग ये चीज़ तो करते ही करते हैं यार, अपने मोबाइल में बहुत सारी गलती करते हैं, तो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना। अरे यार किसी दोस्त ने बोल दिया यार ये ऐप देख कितनी शनन है, इस ऐप में ऐसा होता है। अरे जो ऐप जो प्ले स्टोर में नहीं है या फिर गैलेक्सी स्टोर में नहीं है या फिर ऐप स्टोर में नहीं है, कहीं भी चीज़ नहीं है, और अगर आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकती है आपके मोबाइल में, चाहे डेटा ले लो या मोबाइल को हार्म भी कर सकती है, आपका डेटा भी रिकवर कर सकती है। तो ये चीज़ें तो कभी करना ही नहीं चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप तो अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी हो आपको डाउनलोड करके रखना ही नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है आपके मोबाइल में, तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेवन बताने वाला हूँ वो भी ऐप से रिलेटेड है। लोग करते क्या है, अरे यार मेरा मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है यार, बता यार भाई क्या करूँ, अरे यार मैंने तो ये वाली ऐप डाउनलोड करी, ये वाली बूस्टर ऐप डाउनलोड करी, इससे तो मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, अच्छा मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये गलती तो यार मत करा करो यार, किसी के कहने पे कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई बूस्टर ऐप तो कभी डाउनलोड करके रखना ही चाहिए, कोई मतलब की नहीं होती है ना बूस्टर ऐप ना एंटीवायरस ऐप, ये उल्टा आपके मोबाइल को हार्म करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, दूसरे को तो चलने नहीं देंगे बैकग्राउंड में, खुद चलती रहेंगी, इससे आपके मोबाइल की बैटरी भी और उसका जो चलने की स्पीड है उसको भी दिक्कत होती है। तो ये आप तो मत करा करो यार, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप तो डाउनलोड, सॉरी कोई भी बूस्टर वाले एंटीवायरस ऐप तो डाउनलोड करके रखना ही नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब के नहीं होते। जो कंपनी के लाइक आपको सैमसंग का मोबाइल है तो वहाँ पर आपको डिवाइस केयर दिया रहता है, आप उसके थ्रू यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको बैकग्राउंड की ऐप्स को बंद करने के लिए ऑप्शन भी दिया रहता है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट आप फालतू की जो ऐप्स देते हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ डिवाइस केयर, ये डिवाइस केयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मुझे क्लियर करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 2 मिनट में सारी क्लियर हो जाएगी। कोई भी आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत रहती नहीं है, या बोल सकते हैं कोई भी बूस्टर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों सेवन बताने वाला हूँ दोस्तों वो भी बहुत काम का है। होता क्या है, आज की डेट में मेमोरी तो बहुत सारी हो गई है मोबाइल्स में, 128 GB, 64 GB, 256 GB, या बहुत सारी मेमोरी आ गई, बट लोग अभी भी क्या गलती करते हैं, मोबाइल की जो मेमोरी है स्टोरेज है उसको पूरा फुल भर के रख लेते हैं, लाइक 128 GB है तो उसका 100 GB या 105 GB वो फुल है। भाई ऐसा मत करो, थोड़ी स्पेस उसको मोबाइल को भी दो, कि जितना ज़्यादा वो स्पेस खाली रहेगा उतने ज़्यादा आपका मोबाइल स्मूथ चलेगा। आप उसको ओवर तो करो ही मत स्टोरेज, लाइक आपको 70-75 तक अपने मोबाइल का जो स्टोरेज उसको फुल करो, जितना ज़्यादा आप उसको फुल करेंगे उतना ज़्यादा आपका मोबाइल स्लो चल सकता है। तो हमेशा अपने मोबाइल को 75 या 80% तक ही उसका जो स्टोरेज है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि थोड़ी स्पेस अपने मोबाइल को भी देनी चाहिए।
और उसके बाद दोस्तों जो एट्थ बताने वाला हूँ, जो लास्ट बताने वाला हूँ, वो तो बहुत ही काम का है। और बहुत सारे लोग ये गलती तो करते ही करते हैं। क्या करते हैं, मोबाइल तो ले लिए, अब मोबाइल में लॉक कुछ नहीं लगाया हुआ, नॉर्मल कोई भी लॉक ही नहीं है, या फिर लॉक लगाया है तो 1234000111111 पासवर्ड लगाया, या फिर अगर उन्होंने पैटर्न लगाया है तो पैटर्न में यूएल बना दिया, एम बना दिया। अरे ये क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। पासवर्ड आपको हमेशा अपने स्मार्टफोन में पासवर्ड लगा के, या प्रोटेक्ट पासवर्ड, या पेन, या पैटर्न, जो भी लगाना है, बट ऐसा कॉम्प्लिकेट लगाना चाहिए ताकि कोई भी उसको ईजिली एक्सेस ना कर सके। आपका डेटा आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पर किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमेशा अपने मोबाइल को आप लॉक करके रखें ताकि आपका डेटा कोई भी एक्सेस ना कर सके। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक तो आइसली बात सब लोग लगाते ही लगाते हैं, बट जो मोबाइल का पासवर्ड है वो आपको हमेशा ऐसे लगाना है ताकि कोई भी इजीली उसको खोल ना सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों हो सके तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सी गलती आप अपने स्मार्टफोन के साथ करते हैं, या फिर ऐसे गलतियां बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स भी करते होंगे, तो मेरी वीडियो जरूर उन तक शेयर करें ताकि वो गलती भी नहीं करें आगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।